गठबंधन के नेता बैठक कर एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं बिहार में इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टी जेडीयू के नेता एकजुटता को कमजोर कर रहे हैं। विवादित बयान देने वाले गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने अब एक बार फिर से विवादित बयान दे डाला है। मंडल ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू यादव किसी काम के नहीं है, अब उनका दिमाग काम नहीं करता है। इतना ही नहीं, मंडल ने कहा कि देश की जनता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेगी। किसी के कहने से कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा? हम तो एक ही बात कहेंगे, लालू जी बेकवड़ों के मसीहा है, हम लोग कोई पुराने लीडर रह चुके हैं, हंसाने का काम करते हैं, बुलाने का काम करते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये राहुल जी को प्रोजेक्ट, आप लोग कहते हैं राहुल जी को, तो ये नहीं कहते राहुल जी उस योग्य नहीं हैं, उनके कुल खानदान प्रधानमंत्री बनते आए हैं, सही बात है। लेकिन सिर्फ हमारे लालू जी के कहने से नहीं हो जाएगा, उनका किडनी प्लांट हुआ है, ये हुआ है, थोड़ा उनका दिमाग सठिया गया है। कहाँ तो पटना में बैठक हुआ था, अभी बहुत चुनाव में टाइम है, क्या होगा नहीं होगा। मान लिए नीतीश कुमार को केजरीवाल, मान लिए सबको, मतलब कई स्टेट के लोगों ने मान लिया, जो योग रहेंगे, उम्र का भी अंतराल है ना, कोई धड़फड़ी है कि राहुल जी के को मानेगा देश ने तब ना, वो सब बात कहीं नहीं है। अभी लंबा समय है, चुनाव का टाइम है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा वो तय करेगा देश का जनता। और पटना से संवाददाता अमन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से अमन का रुख कर लेते हैं। अमन, देखिए जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में शामिल जो तमाम पार्टियां हैं वो लगातार शो करने की कोशिश कर रही हैं कि हमारे बीच बहुत यूनिटी है, लेकिन गोपाल मंडल ने जो बयान दिया है लालू प्रसाद यादव को लेकर, कहीं ना कहीं अब ये दर्शाता है कि अंदर ही अंदर मन मुटाव जरूर है। जी बिल्कुल शिवानी, देखिए गोपाल मंडल ने आए दिन विवादित बयान देते हैं, वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, और कल भी गोपाल मंडल ने जिस तरीके से बयान दिया नीतीश कुमार को लेकर, लालू प्रसाद यादव को लेकर, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड ये शुरू से चाहती है कि नीतीश कुमार पीएम उम्मीदवार बने, और यही कारण है कि जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को आगे बढ़ाने की बात कही, उनके हैंड मजबूत करने की बात कही, उसके बाद से ही गोपाल मंडल ने बयान दिया और कहा कि लालू प्रसाद यादव की उर्म हो चुकी है, इसलिए वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। वो हंसते खेलते रहते हैं, कुछ अपने बातों से लोगों को हंसाते हैं, लेकिन इस तरीके का बयान लालू प्रसाद यादव को नहीं देना चाहिए, ये उनका असर दिख रहा है, और यही कारण है कि वो थोड़ा बहुत सटिया गए, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया। वहीं उन्होंने कहा है कि पीएम कौन रहेगा वो तो जनता चुनेगी। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन में कहा जाता है, सभी दल के नेता कह रहे हैं हम एक साथ हैं, एकजुट हैं, जेडीयू आरजेडी हमेशा भाई, बड़े भाई और छोटे भाई की बात करती है, और अब जिस तरीके से उनके विधायक इस तरीके का बयान दे रहे हैं, इससे साफ दिख रहा है कि जेडीयू भी चाहती है कि लालू प्रसाद यादव ने जो बात राहुल गांधी के लिए कहा था वो नहीं होना चाहिए था, वो नीतीश कुमार के लिए होना चाहिए था, क्योंकि नीतीश कुमार एक अनुभवी मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार अगर, लेकिन फिलहाल जो बयानबाजी हो रही है उससे ये साफ स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी मन मुटाव जरूर है, जो समय समय पर खुलकर सामने आता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।